हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हो वो अभी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही मजेदार चीज जो सबको पसंद आते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। दोस्तों दिखाते हैं क्या बनाने वाले हैं। दोस्तों ये बनाने वाले हैं, इसका फिगर देख के तो पता चल ही गया होगा, ये जेट का फिगर है F22 का। तो दोस्तों हम इसको बनाने वाले हैं। दोस्तों मैंने इसका कटिंग पहले से कर रखा था, इसका डिजाइन पहले से काट रखा था, मॉडल पहले से काट रखा था, इसीलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसीलिए। इसका दोस्तों मैं मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मेजरमेंट का। तो दोस्तों आइए इसको असेंबल करते हैं। मैं इसका डिजाइन पूरा काट रखा है प्लस इस पे लेमिनेशन कर दिया है, वो भी ट्रांसपेरेंट टेप से। तो दोस्तों आइए इसका आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा एक टेबल साइज का मेरा जेट बनने वाला है। ये देखिए, इस हिसाब से आपको पता चल ही रहा होगा कितना बड़ा है ये, एक टेबल साइज का है। सोफा सेट का जो टेबल आता है वो टेबल साइज का, उसी टेबल पे मैं वीडियो भी बनाता हूँ। दोस्तों अब मैं इसमें असेंबल करने दोस्तों हमने 95% काम कर दिया है। तो मैंने इसको फिक्स कर लिया, फालतू में बन नहीं रहा था, ऑफ कैमरा मैंने इसको टोटली फिक्स किया। ये देखिए दोस्तों, ये आपको लोग को दिख रहा होगा जैसा कि बॉडी वर्क इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इसका एलिवेटर लगाना ही बाकी बच गया है। एलिवेटर को कटिंग करना और लगाना, एलिवेटर को मैंने कट नहीं किया था। एलिवेटर कट करने से पहले इसमें मोटर लगा लेते हैं। तो आइए दोस्तों मोटर लगाते हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये 1000 KV वाला मोटर इसमें यूज करेंगे और ये 6 इंच वाला प्रोपेलर यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको फिक्स कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, मोटर का जो थ्रस्ट जो है ना, ये पीछे की ओर हवा, इसका पीछे की ओर दे हवा, तभी ये प्लेन आगे की ओर टेक ऑफ कर पाएगा जेट। दोस्तों यहाँ पे हमको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये कट कर लिया है। अब इसको अंदर डाल के आराम से इसको इंस्टॉल कर देना है और प्रोपेलर लगा देना है। प्रोपेलर यहाँ पे मैंने 6 इंच का यूज कर रहा हूँ। फिक्स बहुत इसका बहुत बढ़िया हो चुका है।
तो दोस्तों हमारा प्लेन, सॉरी हमारा जेट प्लेन तो इतना कंप्लीट हो चुका है। मतलब दोस्तों इसी तरह से सेकेंड वाला भी एलिवेटर को फिक्स कर लेते हैं। दोस्तों मैंने इसको लगा दिया, अब इसको एंगल देना बाकी है। तो यहां से इसको उखाड़ करके दोस्तों आइए इसको, ये सरों को फिक्स करते हैं अपना जेट में। तो आइए बिना देरी करते हुए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्लेन पे। ये सर्वो, ये वाला दो फिक्स करेंगे, ये सर्वो, ये दोनों पे। इतना ना बड़ा प्लेन है, इसको हैंडल करना थोड़ा दिक्कत बड़ा है। मेरे से ज्यादा साइज का जेट है, जेट की साइज है दोस्तों। आइए इसी में फिक्स होने वाला है। दोस्तों आइए इसमें सर्वो लगाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये सर्वो का लीड काट दिया है, क्योंकि इसका लीड का वायर और बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा काट दिया है। आइए दोस्तों इसको फिक्स कर लेते हैं, बस यही लास्ट इसमें वर्क है। एक सर्वो को तो मैंने चिपका डाला, अब दूसरे की बारी। सर्वो लगाने से पहले ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हटा लेना पड़ेगा, नहीं तो इसका सेंटर पता ही नहीं चलता है कहाँ पे है। दोस्तों मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब जहां पे ये फंसेगा उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ पे इसका ये सही है। अब सिंपल सा इसमें होल कर देना है, इसमें भी सिंपल सा होल कर देना है। और ये जो इस टाइप का जो चीज है, जो सर्वो में ही मिलता है आपको, उसको इसमें लगा देते हैं। दोस्तों ये वाला पार्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए ये रन करेगा। इसकी वजह से कैमरा का थोड़ा एंगल गलत है। एक और अच्छा चीज दोस्तों, इसी तरह मैंने दूसरा को भी लगा दिया। अब सिंपल में इसको, ये दोनों में इसको इंस्टॉल करके इसमें नाप के इसमें लगा देना है। दोस्तों हमारा जेट प्लेन पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए, ये पूरा मेरा जेट प्लेन कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए पूरा। दोस्तों प्लेन तो कंप्लीट हो गया, बट इसका जो फ्लाइंग वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, क्योंकि फ्लाइंग वीडियो डालने पे बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, प्लस मेरे इधर का वेदर सही नहीं है। उसी कारण पूरा जो फील्ड है जहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ, वहाँ पे पूरा पानी लगा हुआ है। तो दो तीन दिन बाद मैं वीडियो डालने का कोशिश करूंगा, ये डाल ही दूंगा कन्फर्म। कमेंट करना आप लोग। ये देखिए पूरा कम्प्लीट हो चुका है। F-35 वगैरह में भी लगा दी, सॉरी F-22। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते।